Hello everyone, my name is Darshna. Firstly, I want to thank Dilesh sir, Parinita di, Priya di, Itiksha di and Divya di. गुरुकुल में आने के बाद में मेरे में जो बदलाव आए हैं वो मैं यहाँ बताना चाहूँगी. सबसे पहले तो मैं जब यहाँ मैंने ज्वाइन की उसके पहले आई स्टू डू योगा और ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल, लेकिन वो कंटिन्यूटी नहीं रहती थी क्योंकि मेरे गुरुकुल में आने के बाद में मुझे पता चला कि क्यों ऐसा था. जैसे गुरुकुल में दी परिणीता दी के पास से, जैसे दिलेश सर के पास से भी दो तीन इतने इंस्पायरिंग वर्ड्स सेंटेंसेस मुझे छू गए. जैसे आई एम ऑल्सो वेरी मच कॉम्पिटेंट इनफ टू डू योगा. पहले तो मैं अपने आप को फ्लेक्सिबल ही नहीं समझती थी, जैसे ये तो मैं नहीं कर सकती ऐसा वाला था. इवन ये फ्राइडे को जब हमको प्रेजेंट करना था, हमारा सेशन था, तब मैंने दिलेश सर से वही बात की कि ये लोग सब तो जानते हैं तो मैं कहाँ से उनको सिखा सकूँगी. लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि नहीं, आपको यहाँ ऐसे ही परफॉर्म करना है कि जैसे आप यहाँ टीचर हो वैसे. और वो कॉन्फिडेंस मेरे में उन लाने के लिए थैंक यू सर. परिणीता दी के पास से भी बहुत मुझे इंस्पायरिंग चीज़ें मिली. जैसे मैंने सूर्य नमस्कार में कर रही थी, वहाँ एक दो पॉइंट पे आई वॉज रॉन्ग, तो वहाँ उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज करके बोला नहीं यू आर रॉन्ग हियर, एंड देन शी वॉज अ रियल स्टैंड फॉर मेकिंग मी डू दैट थिंग राइट. सो वो है. अभी पर्सनल मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कौन से एरिया में हुआ वो मैं थोड़ा बताना चाहूँगी यहाँ. जैसे आई बिकेम काम, मैं थोड़ा हाइपर रहती थी तो आई बिकेम काम. और काम तो हूँ, उसके साथ मैं एनर्जाइज भी हूँ कि जैसे एनर्जी भी है और काम भी है, ऐसा है. तो दोनों चीज़ें मेरे में थोड़ा बदलाव आया है. फिर रिलैक्स भी हूँ और स्ट्रांग भी हूँ. रिलैक्स में कैसे कि बच्चों के साथ डील करना हो, कि रिलेशंस में ग्रो करना हो, वहाँ मैं थोड़ा जैसे बोलते ना कि मैं रिएक्ट करती थी, रिस्पॉन्ड नहीं करती थी, ऐसा वाला था. तो आई हैव स्टार्टेड लाइक थोड़ा थोड़ा मैं वहाँ मेरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ है जो मैं बता सकती हूँ. फिर रिफ्रेश रहती हूँ कभी, दिस इज़ अ नाइट टाइम, स्टिल आई एम रिफ्रेश्ड, लाइक आई एम फ्रेश. जैसे मैं पहले ना आई यूज़ टू फील वेरी लो, और मेरा ये मेनोपोज पीरियड चल रहा है तो मेनोपोज वॉज द ओनली थिंग फॉर विच आई वॉन्टेड टू डू योगा. लेकिन उसके सामने मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली जो बहुत बेनिफिशियल रही मेरे ये लाइफ में. फिर मसल्स जो मेरे स्टिफ थे वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होने लगे हैं. जो चीज़ मैं नहीं कर सकती थी वो मैंने प्रोग्रेशन पे किए. जैसे परिणीता दी है वो कंटिन्यूस देख रही थी कि नहीं ये प्रोग्रेशन तुम्हारा यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है. वो एक बदलाव मेरे में आया है. सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू मैम. फिर मेरा जैसे मेरा स्ट्रेंथ भी बढ़ा है. अभी कुछ काम नया लेना होता है तो पहले तो मैं बहुत थक जाती थी वैसा वाला था, तो अभी आई एम रेडी टू एक्चुअली टेक रिस्क, आई एम रेडी टू डू द थिंग्स. सो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट. आई हैव रिटन समथिंग, आई बिल्ड अप मोर कॉन्फिडेंस, आई बिकम मोर हैप्पी, एंड मेरे में सिक्योरिटी विद इन माई सेल्फ टू टेक माई लाइफ टू नेक्स्ट लेवल. आई वॉन्ट टू टेक माई लाइफ टू नेक्स्ट लेवल. और मेरे को पहले अपनी सोसाइटी, फिर अपना कम्युनिटी, फिर मैं आगे बढ़ूँगी. जैसे सोसाइटी लेवल पे आई एम गोइंग टू स्टार्ट वन वर्कशॉप, फिर वहाँ से मैं कम्युनिटी पे जाऊँगी. मैंने मेरे घर वालों के साथ में भी मेरे रिलेशन्स इतने स्ट्रांग हो गए कि जैसे माई मदर इन लॉ इज़ 85 ईयर्स एंड शी स्टार्टेड डूइंग प्राणायामा, शी हैज़ एपिलेप्सी प्रॉब्लम, शी स्टार्टेड डूइंग. और मेरे को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए. आई एम सो हैप्पी विद इन माई फैमिली. सो पहले तो मैं उनको उनके साथ में खुद को भी ट्रांसफॉर्म करूँगी, उनको भी ट्रांसफॉर्म करना चाहूँगी. और आई वॉन्ट देम टू बी हैप्पी फॉर मी विथ मी.
मेरा स्ट्रेस लेवल भी बहुत रहता था, जैसे मेनोपॉज में मेरे को थोड़ा एंग्जाइटी भी रहती थी, तो वो एंग्जाइटी भी मेडिटेशन से मेरा बहुत दूर हुआ. सो आई एम रियली थैंकफुल टू दिलेश सर, आई एम रियली थैंकफुल टू द वन हु इंट्रोड्यूस दिस थिंग टू मी, दैट इज़ हेमलता दीदी, हेमलता गोयल दीदी, उनको भी मैं थैंकफुल हूँ. संजय सर का भी मैंने, जैसे हम लोग के सिस्टर्स डे के दिन मैंने सुना, आउटस्टैंडिंग, इतना एनर्जी, इतना फ्लॉलेस, ये चीज़ वो सब मुझे बहुत ही कैच कर गई. अभी मेरे को और भी प्रोग्रेशन में, आई एम ऑन अ वे टू प्रोग्रेस माई सेल्फ. सो रियली थैंकफुल टू यू ऑल. अभी मेरा जो मेरे हाथ पकड़ के आपने चलाना सिखा दिया ना, अभी मेरे को चलना है, आगे दौड़ना है. रियली थैंकफुल, आई एम रियली ओवरवेल्म्ड. थैंक यू.